इस ट्रेन आ गई, ट्रेन और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है, तो मुझे दौड़ के जाना पड़ रहा है, टाइम नहीं है। भाई हमको बोर्ड फाइनली मिल गया है, ये है डॉक्टर बत्रा, जैसे तो यहाँ पे लिखा है लंदन दुबई इंडिया। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक एक चीज शेयर करने वाला हूँ, जो भी मैं अपने बालों के लिए करूँगा वो मैं आपसे एक एक चीज शेयर करूँगा। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं किसी डॉक्टर से दिखाऊँ, तो पता नहीं चल रहा था कौन से डॉक्टर से दिखाऊँ, किससे किसके पास जाऊँ, होम्योपैथी या एलोपैथी या फिर आयुर्वेदिक, जो भी है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि एक जो डॉक्टर हैं उनके पास जाना सही रहेगा, होम्योपैथी डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर बत्रा। इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्लिनिक है, इंडिया से बाहर भी क्लिनिक है, इंडिया के बाहर 6-7 कंट्री में है, और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सिटी है हर जगह ब्रांचेस हैं इनके। सो मैं सोचा कि एक बार यहाँ पर भी ट्राई करके देखते हैं। और ये होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो इनके जो क्लिनिक है वो मतलब कि हर जगह है इंडिया में, तो आपको इजीली मिल जाएगा हर जगह इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, जैसे दुबई वगैरह गल्फ में ऐसा कुछ। सो मैं सोचा कि एक बार यहाँ पे भी ट्राई करता हूँ, तो मैं फ़िलहाल रेडी हो गया हूँ। पिछले एक हफ्ते से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ बट कैंसिल कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट ले रहा था कैंसिल कर रहा था, क्योंकि टाइमिंग का इशू था, मतलब जॉब पे रह के फिर आप दिन में कैसे जाओगे, शाम को टाइम नहीं मिलता है। सो इसके लिए मैंने, आज संडे है तो आज का अपॉइंटमेंट है मेरा 3 बजे का, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। 3 बजे तक मुझे पहुँचना है क्लिनिक के पास। सो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। पहले जो है कंसल्टेंट से मिलना है, एंड में मैं आपको सब बताऊँगा, पहले मैं फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास और मुझे यहाँ से जाना है, तो टाइम भी लगेगा जाने में और मैं कभी गया नहीं क्लिनिक में, तो फर्स्ट टाइम जाऊँगा, तो मैप के थ्रू ही जाना है जो लोकेशन है। सो फिलहाल चलते हैं और आपको बताऊँगा एक ही चीज़। गाइस जैसे ही मैं बाहर निकल रहा, अभी बारिश चालू हो गया है, अच्छा हुआ मैं छाता ले लिया हूँ और छाता निकालता हूँ क्योंकि बारिश चालू हो गया है। जैसे घर से बाहर निकला बारिश चालू, बट स्लो है, आई थिंक बंद हो जाएगा, तो बारिश चालू हो गया, मैं छाता हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि छाता नहीं निकाला तो भींग जाऊँगा। तो गाइस मैं छाता ले लिया हूँ क्योंकि बारिश हो गया है चालू, तो इसके लिए छाता लेना बहुत जरूरी, अच्छा हुआ छाता ले लिया। सो गाइस बारिश जो है ख़त्म हो गया है और मैंने छाता अंदर रख लिया बैग में, और अच्छा हुआ बारिश ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं काफ़ी फंस जाता यहाँ पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो 3 बजे का है और अभी हो रहा है आई थिंक 2 बजने वाला है, तो मुझे 1 घंटे के अंदर पहुँचना है किसी भी हालत में। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ मैं स्टेशन और अभी जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। यहाँ पे मशीन है, यहाँ से टिकट लेता हूँ मैं, उसके बाद निकलता हूँ। गाइस मैंने टिकट ले लिया है और टिकट लेके जा रहा हूँ अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। फाइनली मैं आ गया स्टेशन, ये मैंने टिकट लिया है, देखो। ट्रेन कब आएगी कुछ पता नहीं, किधर है कुछ टाइमिंग नहीं दिखा रहा है, कुछ टाइमिंग नहीं दिखा रहा है ट्रेन कब आएगी, तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा, जब भी आएगी, कोई भी ट्रेन आएगी मैं वहाँ से निकल लूँगा। ये देख सकते हो, ये सब लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, एक भी ट्रेन दिख नहीं रही है। संडे है तो संडे को बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल रहती है, अभी तक एक भी ट्रेन दिख नहीं रही है, देखते हैं हमारी वाली कब आती है। दोस्तों ये जो स्टेशन दिख रहा है आपको सामने, ये जो स्टेशन दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहीं जाना है, सिर्फ एक स्टेशन का फासला है, मुझे जाना वहाँ पे है, बट ट्रेन से ही जाना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसे जाऊँगा या फिर ऐसे जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और सीधे से जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक है, बट जाना वहाँ पे है और वहाँ से फिर उतर के जाएंगे क्लिनिक। ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी पास में ही है, यहाँ से दिख रहा है स्टेशन, बट ट्रेन का वेट करते हैं। सो गाइस देखा आपने, सिर्फ एक स्टेशन जाना है हमको, मतलब कि नेक्स्ट स्टेशन जो है वो वहाँ पर उतर जाना है, तो ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से दिख रहा है, बट ट्रेन से ही जाना पड़ेगा क्योंकि पैदल जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं ट्रेन का।
और उसके बाद जाएंगे। गाइस ट्रेन नहीं आई अभी तक और 2:15 हो गया, 2:15 हो गया, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा और अभी तक ट्रेन नहीं आई है। मैं लेट हो रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ और कब ट्रेन आई कुछ आता पता नहीं है। अभी तक कोई भी ट्रेन नहीं आई है, बट देखते हैं, थोड़ा और वेट करता हूँ। गाइस ट्रेन आ गई, ट्रेन और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है, तो मुझे दौड़ के जाना पड़ रहा है, टाइम नहीं है। ट्रेन आ गई, इस पे आएगी, आ रही है ट्रेन, आ रही है। फाइनली वेट करते करते आज दिमाग खराब हो गया, दिमाग की दही हो गया, ट्रेन आ गई। गाइस मैं फाइनली उतर गया हूँ और उतर के जा रहा हूँ यहाँ से पैदल, मतलब यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है पैदल, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि टाइम है अभी मेरे पास 2:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटा टाइम है। सो मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। सो मैप के थ्रू मैं जा रहा हूँ पैदल और काफ़ी धूप है, तो जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ और पहुँचने की कोशिश करता हूँ 3 बजे से पहले। गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ, बट बिल्डिंग समझ में नहीं आ रहा था, मैं इधर उधर भटक रहा था, बट एक जने से पूछा मैं किधर है डॉक्टर बत्रा, उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में है, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। अभी देखते हैं, मिल नहीं रहा है बिल्डिंग भी, अभी तक मिला नहीं मेरे को, बट अब लगता है कि मिल जाएगा। ये वाली बिल्डिंग है बट किधर है समझ में नहीं आ रहा हमको, थोड़ा बाहर से देखना पड़ेगा, कुछ बोर्ड वोर्ड दिख नहीं रहा है। हाँ इस इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, इसी में कोई ना कोई है, बहुत सारा है यार, देख रहे हो पूरा डॉक्टर की ही बोर्ड लगी हुई है, बट डॉक्टर बत्रा का बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं डॉक्टर की नहीं है, मोस्टली डॉक्टर की है, यहाँ पे शांति सेंटर यही है। ओ फोर्थ फ्लोर पे जाना है, किधर है भैया किधर है, गाइस हमको बोर्ड फाइनली मिल गया है, ये है डॉक्टर बत्रा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लंदन दुबई इंडिया, सो इधर जाना है फिलहाल। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ क्लिनिक में और पहले मिलते हैं, पूछते हैं मेरा 3 बजे का टाइमिंग है, उसके बाद जो होगा बताते हैं आपको। और भाई कोई नहीं अभी, तो देखते हैं कब तक आता है लो काउंटर पे। सो गाइस फाइनली मैंने दिखा लिया है, कंसल्टेंट से मिल लिया और मेडिसिन वगैरह जो भी है तो सब कुछ ले लिया है, अभी वापस मैं नीचे जा रहा हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर, कंसल्टेंट से मिल लिया वहाँ पे और कंसल्टेंट ने क्या के बताया सब कुछ जो भी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्टेशन वापस। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ घर पे और बीच में टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी वापस आ गया क्योंकि टाइम नहीं था और अंधेरा हो रहा था। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ और वहाँ पे जाने के बाद क्लिनिक के अंदर क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं अंदर गया तो थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद जो काउंटर पर जो लोग रहते हैं उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया फॉर्म फिलअप करने के लिए, फॉर्म भर लिया। फॉर्म भरने के बाद उसमें कुछ खास नहीं, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह ऐसा कुछ रहता है, तो वो करने के बाद फिर मैं उनको दे दिया। उसके 10 मिनट के बाद मुझे वेट करना पड़ा 10 मिनट, उसके बाद मैं कंसल्टेंट के पास गया, फिर उन्होंने मेरे को बताया और क्या प्रॉब्लम है, पूछा मेरे से एक एक चीज़ पूछा, कैसे हुआ कब चालू हुआ, हेयर फॉल का क्या प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, जो भी है मैं सब कुछ वन बाई वन बताता गया, सब कुछ बताता गया, पूरा एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो गाइस चलो मैं एक एक करके दिखाता हूँ, पहले आपको ये दिखाता हूँ इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है इस पर क्या क्या है। सो ये हमको मिला है और
इसमें बहुत सारा कुछ है, देख सकते हो ये क्या क्या, इतने सारे फाइल बन गए, इतने लंबे चौड़े लग रहा है, क्या है ये, पूरा बुक मिल गया हमको। सो ये जो है, ये था बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा गया था, तो मैंने यस नो कर दिया है। और उसके बाद ये बिल है, ये एक फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला था, और ये भी बिल है, और ये चेकअप का रिपोर्ट है। सो ये सब है तामझाम, और ये है, इस पर लिखा हुआ क्या क्या डाइट लेना है आपको, कैसे कैसे क्या करना है, देख सकते हो इस पर ये सब खाने के लिए। इसमें ये आयरन देगा आपको, ये हलीम सीड्स है, जेगरी है मतलब गुड़ है, हलीम सीड्स है और खजूर, उसके बाद अंजीर, ये आयरन के लिए, प्रोटीन के लिए है इसमें, मेथी वगैरह है, सोया चंक है, सोयाबीन है, नगेट्स है, टोफू है, एग्स है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है के लिए दिया है, ग्रीन टी, वालनट। तो चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीता हूँ, बट इसमें अगर पीते हो तो फ़ायदा है, ये एंटीऑक्सीडेंट देगा आपको बॉडी के लिए। सो मैं चाय नहीं पीता हूँ। और ये वालनट है, आलमंड है, बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, और कंसल्टेंट ने हमको बताया भी है क्या क्या खाना नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है और मछली नहीं खाना है, मटन मछली वैसे भी मैं नहीं खाता हूँ। सो ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 91% पेशेंट सेटिस्फेक्शन। मैं आपको दवा दिखाता हूँ, तो ये जो है देख सकते हो आप, ये मिला है दवा हमको, फ़िलहाल एक महीने का मिला है, एक नंबर, दो नंबर, एक दो तीन चार। और आपको इसमें खाना कैसे है, उन्होंने बताया है कि ये जिगजैग जो बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है जिगजैग, जैसे बना हुआ है वैसा ही खाना है, जैसे ये जिगजैग में देख सकते हो इसे बना हुआ है, पूरा एक सांप के जैसा बना हुआ है। सो यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे फिर ऐसे खाना है, ऐसे यहाँ से ऐसे खाते आना है, यहाँ से फिर ऐसे 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 करके इस तरह से बनाओ, इस तरह से सारा खाना है। और होम्योपैथी दवा है, देख सकते हो किस तरह से इसके अंदर पूरा ये भरा हुआ है। और ये रहा एक पाउडर है, इसके अंदर एक पाउडर है जो कि दही में डाल के पेस्ट बना के उसके बाद लगाना है। एंड देन ये रहा, इसके अंदर देख सकते हो ये शैम्पू है, एंड देन कंडीशनर है, और ये सीरम है, तीन चीज़ है इसके अंदर। इससे पहले मैं कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गया था, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया हूँ अपने हेयर लॉस के लिए। सो गाइस, खाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला खाने में कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा तामझाम ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने, बस इतना बोला है मटन नहीं खाना है आपको, मटन मैं वैसे भी नहीं खाता, मछली नहीं खाना, मछली भी मैं वैसे भी नहीं खाता, कभी कभार खा लिया साल में 6 महीने में एक बार, तो वो बात की बात है, बट मैं खाता नहीं वैसे नॉर्मली। मैं ऐसे चिकन वगैरह अगर नॉनवेज में खाना है तो चिकन और एग वगैरह खा लेता हूँ, बाकी तो सब्जी है। सो ये सब चीज़ें हैं, और देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट कैसा आता है। फ़िलहाल मैं इसको यूज करता हूँ, 1 महीने का मेडिसिन है, और हाँ 15 दिन में एक बार हमको जाना है वहाँ पे क्लिनिक के अंदर थेरेपी के लिए, तो वहाँ पे हमको हर 15 दिन पे थेरेपी के लिए बोला गया है आने के लिए। एक्चुअली थेरेपी आज जो गया था इसमें थेरेपी किया उन्होंने, ऐसा कैप जैसा था, और कैप के अंदर मतलब ऐसा कुछ था जो थेरेपी कर रहा था हमको, और एक नीचे डिवाइस था वो वायर के थ्रू ऐसे आया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ पे क्योंकि क्लिनिक के अंदर वीडियो बनाना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, मैं जो भी यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट और मेडिसिन कैसे ले रहा हूँ और मेरा जो ट्रीटमेंट है कैसे चल रहा है। सो मैं कोशिश करूँगा सब कुछ दिखाने के लिए। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।